हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आइए आज बात करते हैं एक नई वीडियो की। दैट मींस अपने चैनल पे नवीन पांडे केमिस्ट्री पे हम बात करने वाले हैं आज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज। जब आप रीड करते हैं, चाहे आप क्लास 12th की बात करें, अदरवाइज आप बीएससी की बात करें, जब भी हम इलेक्ट्रो केमिस्ट्री टर्म यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में जब हम सेल यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको बैटरीज भी पढ़ने को मिलती हैं। और मेनली हम डिफरेंस देखते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी क्या होता है। सबसे पहले आपको हम ये सिंपल बता दें कि कैसे जो मेन डिफरेंस है, अभी 1 by 1 हम डिफाइन करेंगे, बट जो मेन डिफरेंस है वो आपको अच्छे से समझना होगा कि प्राइमरी बैटरी क्या है और सेकेंडरी बैटरी क्या है, कैसे उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहले एग्जाम्पल से समझ लीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं आपको। देखिए मेनली हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास वॉच है, क्या है वॉच है, आपको दिख रही होगी। इन केस आप क्या करते हैं, आपके घर में टीवी है और क्या करते हैं, उसका रिमोट यूज करते हैं, क्या करते हैं उसका रिमोट यूज करते हैं, उसमें एक सेल लगाते हैं। आफ्टर सम टाइम आप क्या देखते हैं, जो आपका सेल है वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, दैट मीन्स खत्म हो जाता है और अब उसका हम यूज नहीं कर पाते। ठीक है, अब उसका यूज हम नहीं कर पाते। जब हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं तो उस सेल को हम क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, बिकॉज उसको हम फिर से रिचार्ज नहीं कर सकते, उसको हम फिर से रिचार्ज नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते। दैट मीन्स वो आपका क्या हो गया, अब केवल फेंकने लायक है और उसका कोई वर्क नहीं है। तो अगर हम बात करें प्राइमरी बैटरी की, बात करें हम प्राइमरी बैटरी की, तो बेसिकली जो प्राइमरी बैटरी आपकी होती है वो ये होती है जिसको एक बार आप यूज कर सकते हैं, दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। बट अगर बात करें आपके पास जो मोबाइल्स हैं, आपके पास जो इन्वर्टर है, अगर मोबाइल की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं, उसके बाद यूज करते हैं, डिस्चार्ज हो जाता है, फिर से चार्ज करते हैं, फिर क्या करते हैं, यूज करते हैं। दैट मीन्स मेनी टाइम्स हम क्या कर रहे हैं, एक रिचार्ज की दैट मीन्स साइकिल चल रही है, चार्ज रिचार्ज की क्या चल रही है, साइकिल चल रही है कि आप चार्ज कर रहे हैं, फिर से जो है यूज करते हैं, डिस्चार्ज हो जाता है, फिर से क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। तो बेसिकली जो डिफरेंस है कि प्राइमरी बैटरी को ओनली हम वन टाइम क्या करते हैं, चार्ज कर पाते हैं, दैट मीन्स वन टाइम यूज करेंगे उसके बाद फेंक देंगे, और जो दूसरा हमारा सेकेंडरी बैटरी है, सेकेंडरी बैटरी को हम अगेन चार्ज डिस्चार्ज की क्या हो जाएगी, साइकिल हो जाएगी। तो आइए इस वीडियो लेक्चर में हम बात करते हैं कि व्हाट इज बेसिक डिफरेंस। तो बेसिक डिफरेंस तो आपका हो गया, साथ में टोटल और कितने डिफरेंस है, क्या केवल एक ही डिफरेंस है, तो नहीं, एक डिफरेंस नहीं, आपको यहाँ पर हम नियर अबाउट 8 to 10 points बताने वाले हैं कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं। हमारे साथ बने रहिए, आइए हम बात करते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर जैसे आपके पास क्या है, टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी। तो हम क्या करते हैं, वन साइड राइट करते हैं कि हमारे पास क्या है, प्राइमरी बैटरी है, एक आपको टेबुलर फॉर्म में बता रहे हैं ये क्या है, प्राइमरी बैटरी है, और दूसरी साइड हम राइट करते हैं सेकेंडरी बैटरी। क्या राइट करते हैं, सेकेंडरी बैटरी, एक टेबुलर फॉर्म यहाँ पर हम जनरेट करते हैं, कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंस हमें मिलता है प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी में। तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, तो यहां पर आप लिखेंगे कैन नॉट बी रिचार्ज्ड, कैन नॉट बी रिचार्ज्ड और रीयूज्ड, और रीयूज्ड। जो प्राइमरी बैटरी की सबसे बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, कैन नॉट बी रिचार्ज्ड, हम अगेन उसको क्या नहीं कर सकते, रिचार्ज नहीं कर सकते, दैट मींस और रीयूज्ड, हम उसको रीयूज दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। बट अगर सेकेंडरी बैटरी की हम बात करें, जो हमारे पास सेकेंडरी बैटरी है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कैन बी रिचार्ज्ड, कैन बी रिचार्ज्ड, ठीक है, इसको आप रिचार्ज करेंगे और रीयूज्ड क्या कर लेंगे, रीयूज कर लेंगे। जैसा मैंने पहले आपको डिफरेंस बताया कि क्या होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, रिचार्ज नहीं कर पाएंगे, रिचार्ज नहीं कर पाएंगे, दैट मीन्स जब हमारी जैसे हम बात कर रहे थे रिमोट की बैटरी क्या हो गई, डेड हो गई, तो हमें क्या करना होगा, फेंकना ही होगा। बट अगर हम सेकेंडरी बैटरी की बात करें, तो हमने आपको बताया कि जैसे हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, रिचार्ज करेंगे, रीयूज करेंगे अगेन एंड अगेन। आइए चलते हैं सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया सेकेंड पॉइंट, तो वन वन पॉइंट हम क्या करेंगे, डिस्कस भी करेंगे साथ में।
दूसरे पॉइंट को यहां पर देखते हैं, केमिकल रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, दैट मींस जो केमिकल रिएक्शन हो रही वो कैसी है, इरिवर्सिबल है। कंसीडर कीजिएगा, दैट मींस हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो क्या है, ए प्लस बी, फॉर्मेशन किसका हुआ, सी प्लस डी, ये कोई सेल है, रिएक्शन हो रही है, तो ये कैसा होगा, इरिवर्सिबल है, ओनली वन डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन। दैट मींस यहाँ पर ये समझना है, अगर ये रिवर्सिबल होती, रिएक्शन कैसी होती, रिवर्सिबल होती, तो हम इसको क्या कर लेते, फिर से चार्ज कर लेते। तो यहाँ पे आपको समझना है, जो प्राइमरी बैटरी होती है उसमें जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है कैसी है, इरिवर्सिबल हो रही है। बट अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन सेकेंडरी बैटरी की, तो केमिकल रिएक्शन इज रिवर्सिबल। यहाँ पर क्या होता है, एक बार रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, अगेन क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। जैसे इसी एग्जांपल्स को हम ले, ए प्लस बी, तो यहाँ पर जो एरो लगाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा, कि एक बार जब अपने मोबाइल को आप चार्ज कर रहे हैं तो जो आपका केमिकल्स ए और बी है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सी प्लस डी में, बट अगेन जब उसे आप क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये आपका सी डी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ए प्लस बी में। दैट मीन्स हम क्या देखेंगे, सेकेंडरी बैटरी में जो रिएक्शन है वो कैसी है, रिवर्सिबल है, और जो प्राइमरी बैटरी है उसमें अगर रिएक्शन की बात करें कैसी है, इरिवर्सिबल है, रिएक्शन एक ही साइड में होगी, दूसरे साइड में रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर थर्ड में अगर देखें तो हमें क्या देखना है, एनर्जी कन्वर्जन, कि कौन से जो हमारे पास बैटरी है वो किस टाइप की एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारी प्राइमरी बैटरी है, जैसे हमारे इस वॉच में क्या है, सेल है, ठीक है, तो सेल हमारा क्या कर रहा है, एनर्जी को जनरेट कर रहा है, जो केमिकल्स है वो क्या कर रहा है, एनर्जी को जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जो हमारे पास प्राइमरी बैटरी है ये क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे प्राइमरी बैटरी के लिए, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी बैटरी, तो सेकेंडरी बैटरी के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक बार हम क्या करते हैं, एक बार तो उसको हम चार्ज करते हैं और दोबारा क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। डिस्चार्ज करने की मीनिंग क्या हुई, कि हम क्या करते हैं, बैटरी का यूज करते हैं। तो बैटरी का यूज करते हैं, तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग चार्जिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। जब आप क्या करते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं, बैटरी को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। बट यहाँ पर देखेंगे, व्हाइल केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग यूज और डिस्चार्ज, दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें, तो जब हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, दैट मीन डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो आपकी केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमें बेसिक समझना है, जो मेन डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं, कि प्राइमरी बैटरी में केवल हम क्या देख रहे हैं, जो आपके पास केमिकल एनर्जी है उस किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। बट सेकेंडरी बैटरी में हमारा दो स्टेप होता है, एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल में, और दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें, तो केमिकल एनर्जी आपकी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है एनर्जी कन्वर्जन का। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो यहां पर देखेंगे पॉइंट नंबर फोर, कैन बी यूज्ड ओनली वंस। जो हमारे पास प्राइमरी बैटरी होती है उसको हम कितनी टाइम यूज कर सकते हैं, वन टाइम यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स जो हमारे पास ये वॉच है इसमें प्राइमरी बैटरी लगी हुई है, एक बार ये डेड हो जाएगी तो उसको हम क्या करेंगे, फिर से रिचार्ज नहीं कर पाएंगे, और क्या करना पड़ेगा, हमें फेंकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। आपके रिमोट की बैटरी क्या हो गई, डेड हो गई, तो आप क्या करेंगे, उसको फिर से रिचार्ज नहीं करा पाएंगे, उसको क्या करेगा, फेंकना पड़ेगा। बट यहाँ पर अगर देखें हम सेकेंडरी बैटरी की, तो कैन बी यूज्ड मोर देन वंस, कैन बी यूज्ड मोर देन वंस, इसको हम क्या करते हैं, कई बार यूज कर सकते हैं। कई बार का मतलब ये हो गया, जैसे हम बात करें हमारे मोबाइल में क्या है,
बैटरी लगी है तो उसको ये नहीं है कि हम क्या करेंगे, एक बार बैटरी हमारी क्या हो गई, फिनिश हो गई, आपने क्या कर दिया, यूज कर लिया, तो हम क्या करेंगे मोबाइल की बैटरी को चेंज करा देंगे, ठीक है, कि मार्केट में जाएंगे चेंज करा देंगे कि आप क्या हो गई, डिस्चार्ज हो गई, आप क्या करेंगे फिर से चार्ज कर लेंगे और उसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हैव लोअर सेल्फ डिस्चार्ज रेट्स एंड कैन बी यूज फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ पावर। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे है कि अगर हम बात करें जो हमारे पास प्राइमरी बैटरी है तो इसको लॉन्ग टर्म हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। मेनली आप देखते हैं मार्केट में जो हम रिमोट की बैटरी की बात कर रहे हैं, वॉच की बैटरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका क्या होता है कि काफी टाइम तक मार्केट में ही रहती हैं, फिर भी हम क्या कर पाते हैं, अच्छे से यूज कर पाते हैं, अच्छे से क्या कर पाते हैं, उसका यूज कर पाते हैं। दैट मीन्स इसकी जो पावर होती है, वहां पर हम बात करें सेल्फ डिस्चार्ज रेट्स क्या होता है, बहुत ही लो होता है, यहाँ पर राइट किया गया लोअर, बहुत ही लो होता है। दैट मीन्स वो अपने आप बहुत जल्दी डिस्चार्ज होने वाली नहीं है, बट इन कंडीशन हैव ए हायर सेल्फ डिस्चार्ज रेट देन प्राइमरी बैटरी। अब अगर हम बात करें सेकेंडरी बैटरी की बात करें, ठीक है, तो ध्यान से समझना, जैसे हमारे पास क्या होता है, आपने सिंपल एग्जाम्पल्स देखिए, आपके पास एग्जाम्पल से सिंपल आपने देखा होगा, जैसे हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें, आपके पास क्या है, एक कार है और आपने क्या कर दिया उसको कुछ दिन के लिए, दैट मीन्स 2 मंथ 3 मंथ के लिए छोड़ दिया, कार को छोड़ दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, जब उसमें सेल्फ यूज करेंगे तो आपकी कार स्टार्ट होने वाली नहीं है, बिकॉज वो क्या हो गया, अपने आप क्या हो जाती है, जो बैटरी है डिस्चार्ज हो जाती है, अपने आप क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। आपके पास मोबाइल है, आप क्या करेंगे कि मोबाइल को चार्ज करके और उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है, कि ठीक है हम 5 6 दिन बाद देखेंगे मोबाइल, तो अपने आप क्या देखेंगे, मोबाइल आपका काफी डिस्चार्ज हो गया होगा। तो मीनिंग क्या है यहाँ पर, क्या है, अगर डिस्चार्जिंग रेट की हम बात करें तो हायर होता है, यहाँ पर राइट किया गया है बे हायर सेल्फ डिस्चार्ज रेट देन प्राइमरी बैटरी। अगर प्राइमरी बैटरी से हम कंपेयर करें तो आपकी सेकेंडरी बैटरी जो होती है ये बहुत जल्द डिस्चार्ज हो जाती है कंपेयर इनके। स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज हाई। दैट मीन्स जो प्राइमरी बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, आपका हाई होता है, और अगर हम बात करें सेकेंडरी बैटरी की तो इससे अगर बात की जाए, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर हम आपसे बात करेंगे, इन केस जैसे कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं तो कम्पिटेटिव एग्जाम में आपका सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज हाई, इंटरनल रेजिस्टेंस इज हाई, वहां पर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, बोथ, नन ऑफ दीज, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल वे समझना है कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, कि यहाँ पर आपसे बात की जाती है कि किसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपका हाई होता है, या ऐसे भी पूछ सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस इज लो, किस इंटरनल रेजिस्टेंस ई इज लो, और उसमें भी क्या कर दिया जाएगा, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, बोथ, नन ऑफ दीज। तो अगर आपने अच्छे से समझा है तो दैट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस इज लो की बात की जा रही है तो हम बोलेंगे सेकेंडरी बैटरी है, अगर आपसे बात की जाएगी कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज हाई तो हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी बैटरी है। आगे देखते हैं, इट इज जो 7th नंबर है, मैंने आपसे कहा था नियर अबाउट हम 8 to 10 बात करने वाले हैं, इट इज कैपेबल ऑफ गिविंग बी करंट ओनली। मेनली अगर हम बात करें जो हमारे पास प्राइमरी बैटरीज है इनका यूज हम कहाँ पे कर रहे हैं, हमें ये प्रोवाइड क्या कर रही हैं, मेनली हम देखते हैं क्या देती है हमें, बी करंट देती है। कैसी करंट देती है, बी करंट देती है। दैट मीन जैसे हमारे पास वॉच है, रिमोट की बैटरीज की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमें हायर वोल्टेज की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमें हायर वोल्टेज की जरूरत नहीं है, तो दैट मीन्स ये प्राइमरी बैटरी क्या होती है, हमें बी करंट देती है। बट अगर हम बात करें सेकेंडरी बैटरी तो यहाँ पर राइट किया गया है, इट कैन बी प्रोवाइड लो एज वेल एज हाई करंट। हम क्या कर सकते हैं, लो करंट भी, दैट मीन्स
जो लो करंट के लिए हमारी बैटरीज होती है थोड़ी सी स्मॉल होती हैं, और हाई करंट जैसे आप देखेंगे अभी हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल यूज़ करने में हमें बहुत ज़्यादा करंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये आपका ये क्या हो गया, लो करंट हो गया। या हम बात करें बाइक की, बात कर लें तो बाइक में भी जो आपकी बैटरी होती है वो भी हम क्या है, स्मॉल यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स वो भी बहुत ज़्यादा करंट नहीं दे रही। लेकिन अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे इन्वर्टर है हम यूज़ कर रहे हैं 220 एम्पीयर या जो भी है, तो आप जानते हैं बड़ी बड़ी कैपेसिटी के इन्वर्टर की बैटरीज आ रही हैं, तो वहां पर हम क्या देखते हैं, वो हमारी सेकेंडरी बैटरीज है और हमें वहां से क्या मिलता है, हाई करंट सप्लाई मिलती है। तो हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं सेकेंडरी बैटरी को लो, दैट मीन्स लो करंट अगर चाहिए तब भी हम यूज कर सकते हैं, हाई करंट चाहिए तब भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज लाइट एंड चीप। मेनली देखा ये गया, जैसे अगर हम वॉच की बात करें कि वॉच में जो सेल है अगर इसको निकाल के हम बातें करें, या रिमोट की बैटरी निकाल लें, ठीक है, या जो आपके पास होते थे ट्रांजिस्टर में यूज किया जाता था प्राइमरी सेल का, उसको निकाल के हम देखें तो जो बैटरी है मेनली आप क्या देखेंगे, वो लाइट, बहुत ही हैवी बैटरी आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। चीप, चीप मीन्स क्या होता है, सस्ती, दैट मीन्स वो हमारी क्या होती है, सस्ती भी होती है, बहुत महंगी नहीं होती है। बट अगर हम बात करें सेकेंडरी बैटरीज, इट इज मेनली हैवी, ये क्या मेनली क्या होती हैवी होती है। देखिए जहां पर हम ऑटोमोबाइल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने ट्रक देखा होगा, बस देखा होगा, जहां पर हम यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हम क्या देख रहे हैं, मेनली हैवी बैटरी क्या यूज करते हैं, मेनली हैवी बैटरी यूज करते हैं। और जो वो बैटरी होती हैं वो कैसी होती हैं, कॉस्टली होती है, कैसी होती है, कॉस्टली होती है। तो आप ये पॉइंट राइट कर लेंगे, इट इज मेनली हैवी एंड कॉस्टली। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्राइमरी बैटरी को अगर हम देखें कहां पे यूज कर रहे हैं, यूज्ड इन पोर्टेबल डिवाइसेस, कहां पर यूज करते हैं, पोर्टेबल डिवाइसेस में करते हैं, एंड दे प्रोड्यूस करंट इमिडिएटली। और ये बैटरीज कैसी होती है, जैसे आपने इसमें लगाया तुरंत ही वर्क करना शुरू कर देंगी, ठीक है, दैट मीन्स तुरंत करंट क्या कर देंगी, प्रोवाइड कर देंगी। बट अगर हम बात करें सेकेंडरी बैटरी की, तो नीड्स टू बी चार्ज बिफोर यूज, हमें क्या करना होगा, जैसे हमें अपना मोबाइल यूज करना है तो मोबाइल यूज करना, दैट मींस जो उसकी केमिकल एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमें कन्वर्ट करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी बैटरी को चार्ज करेंगे, तभी हम क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। तो दैट मींस यहाँ पे नीड टू बी चार्ज बिफोर यूज एंड आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, कहाँ पे यूज करते हैं इसका, मेनली ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं। और ये आपकी कहाँ पर यूज की जाती है, पोर्टेबल डिवाइसेस में यूज की जाती है। आगे आइए बात करते हैं एग्जांपल्स की, कि हमारे पास कौन कौन से ऐसी बैटरीज हैं जिसको हम प्राइमरी बोलते हैं, और कौन कौन की ऐसी है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें ड्राई सेल, ड्राई सेल आपका क्या है, प्राइमरी बैटरीज है। वोल्टिक सेल आपका क्या है, प्राइमरी बैटरीज है। डेनियल सेल आपका क्या है, प्राइमरी बैटरीज है। मेनली अगर हम बात करें तो ये प्राइमरी बैटरी है। अब यहाँ पर हम बात करें ड्राई सेल क्या है, वोल्टिक सेल क्या है, डेनियल सेल क्या है, तो अलग अलग वीडियो में इनको हमने डिस्क्राइब किया है, अलग अलग वीडियो में हमने इनको डिस्क्राइब किया है। वहां से आप देख सकते हैं कि ड्राई सेल किसे हम बोलते हैं, वोल्टिक सेल किसे बोलते हैं, और डेनियल सेल किसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी बैटरी के एग्जांपल्स की, तो यहाँ पर जो आज की प्रेजेंट टाइम में मेनली यूज की जाती है, जैसे आप देखते हैं घरों में स्पेशली इन्वर्टर की जो भी बैटरीज आप यूज कर रहे हैं वो आपकी मेनली क्या होती है, लेड स्टोरेज बैटरी होती है। कैसी होती है, लेड स्टोरेज बैटरी होती है। कुछ अदर एग्जांपल्स की हम बात कर ले, लिथियम हाइड्राइड बैटरी होती है, लिथियम हाइड्राइड बैटरी आपकी सेकेंडरी बैटरी होती है। लेड एसिड बैटरी होती है, ये भी आपकी सेकेंडरी बैटरी होती है। निकिल कैडमियम बैटरी होती है, ये भी आपकी क्या होती है, सेकेंडरी बैटरी होती थी। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि कौन हमारे प्राइमरी बैटरी में आते हैं और कौन से सेकेंडरी बैटरी में आते हैं। मेनली अगर हम बात करें, बार बार हमने अपने वॉच की बात की, तो यहाँ पर आप देख लेंगे यहाँ पर भी आपकी प्राइमरी बैटरी होती है, और इसमें जो सेल होता है उसको अगर हम बात करें तो मरकरी सेल होता है। कौन सा होता है, मरकरी सेल इसमें पाया जाता है, जो हम अपने हैंड वॉश में यूज कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी में क्या बेसिकली डिफरेंस होते हैं। हमने 10 पॉइंट की बात की है,
और साथ में हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हम चेक करेंगे कि एक बार यूज़ अगर हम चार्ज कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स हमारी सेकेंडरी बैटरी है, अगर हम चार्ज नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी कैसी है प्राइमरी बैटरी है। और साथ में आप हमारे चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको केमिस्ट्री की न्यू अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।